स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट. द यूनाइटेड नेशंस चार्टर डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा चार्टर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, तो उसमें चार्टर में क्या दिया है, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, लॉज के बारे में. ठीक है, तो वो चार्टर और भी क्या डिस्क्राइब कर रहा है, यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग. फंक्शनिंग का मतलब क्या होगा, वर्क, काम. ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनाइटेड नेशन का क्या काम है. ठीक है, नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस हैज सिक्स मेन ऑर्गन्स. यूनाइटेड नेशन के सिक्स मेन ऑर्गन्स है जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है जैसे लंग्स, लीवर, किडनी, तो ये ऑर्गन्स है, ये अगर अच्छे से वर्क करेंगे तो हम फिट रहेंगे. ठीक है, हम हेल्दी रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी जो है अच्छे से वर्क करेगी. ओके, तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन के ये सिक्स मेन ऑर्गन्स है. तो हम देखते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट, जनरल असेंबली. सेकेंड, सिक्योरिटी काउंसिल. थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फोर्थ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फिफ्थ, ट्रस्टीशिप काउंसिल. एंड लास्ट वन इज सेक्रेटरियट. ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज सिक्स मेजर ऑर्गन्स देर आर मेनी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट हेल्प इट इन इट्स फंक्शंस. सी, हमने तो ये जो ऑर्गन्स देखे, ये मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन का, ये मेन ऑर्गन है. फर्स्ट जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और लास्ट वन सेक्रेटरियट. ओके, इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशंस के कुछ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है. ये सिक्स मेजर ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है. एफिलिएटेड मतलब क्या होगा, कनेक्टेड, जुड़े हुए, या फिर हम उसको पार्ट भी बोल सकते हैं, हिस्सा. यूनाइटेड नेशन के और भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसी. ये जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ओके, वर्किंग इन स्पेसिफिक एरियाज दे हेल्प डिफरेंट नेशंस इन दोज एरियाज. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, ये एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेसिफिक एरियाज में वर्क करते हैं. ओके, और उसी एरिया से रिलेटेड ये मेंबर नेशंस की जो है हेल्प करते हैं. ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एजेंसीज. तो उसमें कुछ एजेंसीज के नेम दिए गए हैं जो यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करते हैं. जैसे फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मींस ILO. ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए वर्क करता है, वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए. ओके, सेकेंड एजेंसी इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए वर्क करता है, फूड और एग्रीकल्चर के लिए. नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. ये तो आप सभी को पता ही होगा. ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू है उसको सॉल्व करता है. ठीक है, मेडिसिन बनाना ये सब. ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक यानी WB. ये जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक जो है पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. ये भी WB जैसा ही है, ये भी जो है कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड UNICEF. ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये किसके लिए वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर लोन देना है, ठीक है, तो उसके लिए वर्क करता है. लास्ट एजेंसी इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट इज UNESCO. लास्ट एजेंसी क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO. तो ये कुछ एजेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट एजेंसीज जो किसके लिए वर्क करते हैं, यूनाइटेड नेशन के लिए. ओके, तो ये एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूनाइटेड नेशन से ये जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गन हम देखेंगे जनरल असेंबली. ओके, आपको ये इमेज दिया गया है, ये इमेज किसका है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के.
असेंबली का, जिसके जो है 193 मेंबर नेशंस जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं और जो भी इश्यूज रहता है उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑर्गन इज जनरल असेंबली. ऑल द मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली. मीन्स जितने भी मेंबर कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन की अगर मेंबर नेशन है तो वो जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं. ओके, द पोजिशन एंड स्टेटस ऑफ ऑल द कंट्रीज वेदर दे आर रिच और पुअर, बिग और स्मॉल इज द सेम. सी, हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल देखा, फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या दिया था कि चाहे वो मतलब पुअर हो कंट्री या फिर रिच हो, सबको कैसा स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल. ओके, तो सारे जो कंट्रीज है यानी जो मेंबर नेशंस है सबका पोजीशन और स्टेटस, मींस भले ही वो रिच हो, पुअर हो, बिग हो, स्मॉल हो, सबका पोजीशन और स्टेटस कैसा होना चाहिए, सेम. ओके, एवरी ईयर द जनरल असेंबली मीट्स इन इट्स सेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर टू डिसम्बर. यानी जनरल असेंबली में जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उसका सेशन जो है हर साल, जनरल असेंबली का सेशन हर साल कौन से मंथ में होता है, सेप्टेम्बर टू डिसम्बर. ओके, ड्यूरिंग द सेशन द जनरल असेंबली डिस्कसेस इम्पॉर्टेंट इश्यूज. जब सेशन चल रहा होता है जनरल असेंबली में तो जनरल असेंबली जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन करती है. जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लाइक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से अगर रिलेटेड कुछ इश्यू है, या फिर डिसआर्ममेंट. डिसआर्ममेंट का मतलब क्या होता है कि वेपन्स वगैरह जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसको कम यूज़ करना, या फिर हो सके तो वेपन्स वगैरह जो है, जो शस्त्र होते हैं, आर्म्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने से रोकना, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, डिसआर्ममेंट. ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसपे जनरल असेंबली में जो सेशन होता है तो ये सारे जो बातें हैं, मींस इश्यूज हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है. ओके, नेक्स्ट, द डिसीजंस इन द जनरल असेंबली आर टेकन बाय मेजॉरिटी. और जिस भी इश्यू से रिलेटेड अगर डिस्कशन हो रहा है तो डिसीजन जो है किस बेसिस पे लिया जाता है, मेजॉरिटी के बेसिस पे. यानी मेजॉरिटी क्या बोल रही है, जैसे 193 मेंबर नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा है वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से मेजॉरिटी मीन्स किसके साइड में है, कौन से डिसीजन के साइड में है, तो अगर मेजॉरिटी मीन्स बोल रही है तो उसके बेसिस पे जो है डिसीजन लिया जाता है. ओके, तो 193 अगर रिप्रेजेंटेटिव्स है तो देखा जाए तो अगर मींस 150 या फिर 140 रिप्रेजेंटेटिव्स अगर एक डिसीजन के साइड में है तो वो डिसीजन जो है लिया जाता है, ठीक है, उस बेसिस पे डिसीजन को ले लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, दीज डिसीजंस आर इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशंस. लेकिन ये डिसीजन जो लिया जाता है जनरल असेंबली में ये किस फॉर्म में होता है, रिजोल्यूशन. ओके, दस द जनरल असेंबली ओनली पासेस रिजोल्यूशन, इट डज नॉट मेक लॉज. ठीक है, तो लॉज कौन बनाता है, जैसे कि हमारे कंट्री में लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट, उसको अथॉरिटी है पार्लियामेंट को लॉज बनाना. ओके, तो यूनाइटेड नेशन की जो का जो फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं, डिस्कशन होता है पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है. लेकिन ये डिसीजन जो है किस फॉर्म में होता है, रिजोल्यूशन के फॉर्म में, ना कि लॉज के फॉर्म में. ओके, क्योंकि जनरल असेंबली सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर सकती है, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉज बना सके. ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल असेंबली लाइज इन बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर नेशंस टू कम टुगेदर एंड डिस्कस एंड मेक पॉलिसी डिसीजंस ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल इम्पॉर्टेंस. सी, जो जनरल असेंबली है उसका सिग्निफिकेंस यानी उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जनरल असेंबली ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेंबर नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पॉलिसी बनाते हैं, मेक पॉलिसी डिसीजंस. ओके, पॉलिसी बनाते हैं किस पे, इश्यूज ऑफ ग्लोबल इम्पॉर्टेंस. ओके, कि वर्ल्ड में यानी दुनिया में जो है
किसका महत्व ज़्यादा है या फिर दुनिया में कौन सा इशू चल रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ या फिर डिसआर्ममेंट रिलेटेड इश्यूज़ या फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है इश्यूज़। तो उस पर मीन्स जनरल असेंबली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, इसका इम्पॉर्टेंस ही ये, एक जनरल असेंबली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेंबर नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है, सेशन होता है उनका, फिर उस सेशन में डिस्कशन होता है रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसके बाद में ग्लोबल इम्पॉर्टेंस का जो इश्यू है मीन्स उसको ग्लोबल इम्पॉर्टेंस को देखते हुए जो भी इश्यूज है उससे रिलेटेड मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, ओके। और ये ध्यान रखना कि जनरल असेंबली सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर सकती है, उसके हाथ में ये अथॉरिटी नहीं है, उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो लॉज को बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। अब हम देखेंगे कि जनरल असेंबली का वर्क क्या है, जनरल असेंबली क्या काम करती है, ठीक है। फर्स्ट, टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। तो हम आगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसमें मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ओके। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना किसका काम होता है, जनरल असेंबली का, ओके। तो फर्स्ट वर्क क्या है जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना, ओके। सेकंड फंक्शन, टू चूज द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज ICJ इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटी काउंसिल। सी, सेकंड फंक्शन क्या है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और ICJ मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को चूज करना, ये किसका काम है, जनरल असेंबली। लेकिन क्या बोला है लास्ट में, इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है उसके सजेशन के साथ, कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, सलाह लेना। मींस जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल और ICJ के जजेस को चूज तो करता है, लेकिन किसके सलाह के साथ, किसकी सलाह मींस किसका सजेशन उसको लेना पड़ता है, सिक्योरिटी काउंसिल का, ओके। तो दोनों मिलके जो है मींस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलके यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ओके। थर्ड फंक्शन इज टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मीन्स साल भर का जो बजट होता है यूनाइटेड नेशन का, वो पास करना किसका काम होता है, जनरल असेंबली का, फर्स्ट ऑर्गन का। जैसे हमारे कंट्री में जो है एनुअल बजट पास होता है फेब्रवरी या मार्च मंथ में होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स या पॉलिसी बनाई, उस पर कितने खर्चे हुए, गवर्नमेंट के हाथ में जो है टैक्सेस कितने आए, ठीक है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, जो भी बजट है, ओके। जैसे हमारे घर का बजट बनता है, मंथली बजट, ठीक है, कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है, मींस एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे इतना खर्चा हुआ, इतना राशन का खर्चा हो गया, इतना लाइट बिल है, इतना पानी का बिल है, ठीक है। तो जैसे बजट बनता है, हमारे घर का मंथली बजट बनता है, तो और हमने देखा कि हमारे मींस कंट्री का जो एनुअल बजट बनता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है किस पे, या फिर कितने मींस इनकम कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट के खाते में जो है कितना इनकम आ रहा है, ये सब बजट होता है, ठीक है। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन का बजट होता है, तो एनुअल बजट मींस यूनाइटेड नेशन का जो एनुअल बजट है उसको पास करना भी किसका काम होता है, जनरल असेंबली का, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एट न्यूयॉर्क, मींस यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ओके। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पैनिश, चाइनीज एंड अरेबिक आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मीन्स यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए गए हैं, कौन से, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पैनिश, चाइनीज, ओके एंड अरेबिक, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस के, ओके। नेक्स्ट ऑर्गेन इज सिक्योरिटी काउंसिल।
देर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स. ऑफ देम 5 आर परमानेंट मेंबर्स वाइल 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स. सी उसमें से मीन्स 15 मेंबर्स में से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है. ओके, नेक्स्ट, द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर चूजन एवरी 2 ईयर्स बाय द जनरल असेंबली. अभी हमने देखा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है कौन चूज करता है? जनरल असेंबली. ओके, एवरी 2 ईयर्स बोला है. नेक्स्ट, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, एक बार फिर से बताती हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से कंट्री हैं? अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना. ओके, दे हैव द वेटो पावर. ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वेटो पावर होता है. वेटो पावर का मतलब क्या? नेगेटिव वोट. वेटो पावर मीन्स नेगेटिव वोट. जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशन ने मीन्स कोई ट्रीटी बनाई है, ठीक है, तो उस ट्रीटी पे जो है ये 5 परमानेंट मेंबर का साइन करना ज़रूरी होता है. ओके, जो 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना, तो उस ट्रीटी पे जो है उस ये 5 परमानेंट मेंबर को साइन करना ही होता है, कंपलसरी होता है. लेकिन अगर इसमें से एक ने भी मना कर दिया, जैसे सपोज चाइना ने मना कर दिया या फिर अमेरिका ने मना कर दिया, 4 ने साइन किया और 1 ने साइन नहीं किया, ठीक है, तो वो नेगेटिव वोट हो जाता है. और अगर 1 ने भी मीन्स साइन करने से मना कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है. ट्रीटीज किस लिए होता है, समझौते किस लिए होते हैं? कुछ ना कुछ मतलब इशू रहता है उस पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है. तो अगर मीन्स ये उसमें से 5 परमानेंट मेंबर में से अगर 4 ने साइन किया, 1 ने मना कर दिया, तो वो डिसीजन जो होगा वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा. तो वेटो पावर किसको बोला जाता है? नेगेटिव वोट को, ठीक है. फॉर एनी डिसीजन टू बी टेकन द एसेंट ऑफ ऑल 5 मेंबर सॉरी परमानेंट मेंबर्स एंड 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स इज नेसेसरी. मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एनी डिसीजन टू बी टेकन, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उस पर एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होगा? मर्जी, ठीक है, परमिशन भी बोल सकते हैं हम. तो उस पर ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स यानी जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनके इनकी मर्जी जो है, इनका परमिशन ज़रूरी होता है, ठीक है, कोई भी डिसीजन हो. इवन वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर यूजेस हिज वेटो दैट इज गिव्स अ नेगेटिव वोट, द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन. और अगर ये 5 परमानेंट मेंबर में से एक ने भी अगर अपना वेटो यूज कर लिया, वेटो पावर को यूज कर लिया यानी नेगेटिव वोट दे दिया, तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता. ओके, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अब हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का वर्क क्या है, क्या फंक्शंस है. ओके, फर्स्ट, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी काउंसिल, सी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये जो ऑर्गेन है यूनाइटेड नेशन का, उसका नाम ही क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ऑर्गेन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है. नेक्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल मे सजेस्ट वन अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इन सिचुएशंस ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है सलाह दे सकती है, सजेस्ट कर सकती है, मीन्स अल्टरनेटिव इन सिचुएशन. अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्ट कर सकती है या तो वो कॉन्फ्लिक्ट को एंड करो या फिर रिसॉल्व करो, ठीक है. इसको कहा गया है अल्टरनेटिव इन सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. अल्टरनेटिव का मतलब क्या? ये मतलब सिलेक्ट करो या तो फिर इसके बदले वो करो, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, तो या तो उस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करो मीन्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करो, या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करो, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एंड मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश पीस. ये सिक्योरिटी काउंसिल किस पे एफर्ट करती है? पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है. इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस. सैंक्शन का मतलब क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन. यहाँ पे सैंक्शन का मतलब क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन. यानी वो इम्पोज का मतलब क्या होगा? फोर्सफुली. इकोनॉमिक सैंक्शन भी सिक्योरिटी काउंसिल लगा सकती है, ठीक है. और टेक अ डिसीजन ऑफ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द अग्रेसर नेशन.
अग्रेसर नेशन मीन्स, जैसे कि अगर कोई नेशन है मेंबर्स नेशन में से अगर किसी ने मतलब ट्रीटी पे साइन अगर कोई नहीं कर रहा हो, ठीक है, कोई नेशन मना कर रहा हो कि उस पर उसको जो है ट्रीटी पे साइन नहीं करना है, मीन्स जो समझौता हो रहा है उस पर साइन नहीं करना है, तो उसको अग्रेसर नेशन बोलेंगे। और अगर वो नेशन मीन्स मना कर रहा है तो बाकी के जो मेंबर नेशन है वो सब एक साथ मिलके, मीन्स उसको कहा जाएगा एलिट पावर्स, तो एक साथ मिलके वो जो है मिलिट्री एक्शन उस अग्रेशन नेशन के अगेंस्ट जो है मिलिट्री एक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रिपेयर पॉलिसीज ऑफ आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल मीन्स डिसआर्ममेंट, आर्म्स को कंट्रोल करना, आर्म्स को मैन्युफैक्चर होने से रोकना, या फिर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें वेपन का यूज ना करना, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का सेकंड फंक्शन क्या है, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज प्रिपेयर करना, किसके लिए, आर्म्स कंट्रोल। थर्ड, टू प्ले अ जॉइंट रोल अलॉन्ग विद द जनरल असेंबली इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, जो कि हमने फर्स्ट ऑर्गेन जनरल असेंबली का भी फंक्शन पढ़ा। वैसे ही मीन्स थर्ड फंक्शन क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को चूज करती है, ठीक है, किसके साथ मिलके, जनरल असेंबली के साथ मिलके। ओके, नेक्स्ट, सजेशंस आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट मोर डेमोक्रेटिक, मीन्स मेंबर नेशंस मिलके और भी नेशन जो है सजेशन ये लिया जा रहा है, मीन्स सजेशन दिया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको मीन्स इसमें और भी मतलब रिफॉर्म करना चाहिए, इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और उसको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। ओके, इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो हमारी कंट्री भी एफर्ट कर रही है ताकि वो भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप पा सके। ओके, उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो है परमानेंट मेंबरशिप मिल सके। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेट करके चले, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशन के जो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज है तो ये जो है ये पॉलिसीज आपस में कोऑर्डिनेट करके चले, ठीक है। द काउंसिल हैज़ 54 मेंबर्स। सी, ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का थर्ड ऑर्गेन, इसके कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स। ओके, दे आर सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, और ये काउंसिल के मेंबर्स को भी कौन सिलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। ईच मेंबर हैज़ अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स एंड ईच ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर न्यूली चूजन, डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। सी, 54 मेंबर्स हैं टोटल और इन्हें जो है कौन सिलेक्ट करता है, जनरल असेंबली, और ईच मेंबर यानी हर एक मेंबर का जो है टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स का। मीन्स ये सोशल काउंसिल के लिए, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए सिर्फ कितने ईयर्स काम कर सकते हैं, 3 ईयर्स। और 1/3 मेंबर्स मीन्स जैसे 3 ईयर्स पे अगर एक मेंबर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उतने या एक मेंबर दो मेंबर जितने भी मेंबर अगर रिटायर हो रहे हैं 3 साल पे, ठीक है, तो उस साल में उतने ही न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ मेंबर्स आर न्यूली चूजन, डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट, मीन्स इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ये ऑर्गेन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो भी किस पे, किस बेसिस पे, मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये ऑर्गेन का फंक्शन क्या है। फर्स्ट, इनिशिएट डिस्कशन एट द ग्लोबल लेवल ऑन इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट पॉलिसीज टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। सी, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, इनिशिएट डिस्कशन मीन्स ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज हैं, जैसे कि कौन से इश्यूज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वालिटी एंड सजेस्ट पॉलिसीज, ये सबसे पहले ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ये डिस्कशन स्टार्ट करता है,
ठीक है, इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना, ग्लोबल लेवल के जो इश्यूज है इस पर डिस्कशन स्टार्ट करता है और पॉलिसीज सजेस्ट करता है, पॉलिसीज की सलाह देता है ताकि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके. ओके, सेकंड, डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन्स क्वेश्चंस, और ये जो काउंसिल है ये किस इश्यू से रिलेटेड डिस्कशन करता है, जैसे कि वुमेन्स क्वेश्चंस है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी वुमेन को पावर मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, ओके, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एट्सेट्रा, एंड मेक डिसीजंस. ओके, तो किस पे मींस कौन से इश्यूज पे ये काउंसिल डिस्कस करता है, जैसे वुमेन्स के की अगर कोई क्वेश्चन है वुमेन से रिलेटेड, या फिर वुमेन को जो है पावर दिलाने के लिए, उनको उनका राइट दिलाने के लिए, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर कुछ है, फंडामेंटल फ्रीडम्स, ओके, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एट्सेट्रा, और उसके बाद में डिस्कशन करने के बाद में डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन किस बेसिस पे, मेजॉरिटी के बेसिस पे. ओके, थर्ड फंक्शन इज मेक एफर्ट्स टू स्टैब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. ये काउंसिल जो है एफर्ट कर रहा है क्या स्टैब्लिश करने के लिए, कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन मींस इंटरनेशनल लेवल पे नेशन के बीच में जो है कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले. फोर्थ फंक्शन इज कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशंस. सी, हमने स्टार्टिंग में देखा, ये पार्ट के स्टार्टिंग में देखा कि सिक्स मेन ऑर्गन के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के कुछ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं. ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका ये भी जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो कैसे वर्क करना है, इनको कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है, कोऑपरेट करके चलना है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन सॉरी ऑर्गन इज सेक्रेटरिएट. ओके, द सेक्रेटरिएट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सी, जैसे कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, तो मींस बॉस के बाद जो है सेक्रेटरी को कंपनी के बारे में सब पता होता है, ठीक है, कैसे क्या मींस मेंटेन करके रखना है, तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल. तो यूनाइटेड नेशन जो है क्या वर्क कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जो है कौन सा ऑर्गन है, सेक्रेटरिएट. ओके, तो सेक्रेटरिएट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रेटरिएट के पास जो है, सेक्रेटरिएट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को संभालना, ओके, मैनेज करना. द चीफ ऑफ द सेक्रेटरिएट इज द सेक्रेटरी जनरल, मीन्स सेक्रेटरिएट ये जो ऑर्गन है इसके चीफ यानी जो हेड है, हेड को क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी जनरल. ओके, ही इज सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इनको सिलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, हिज टेन्योर इज ऑफ 5 years. सेक्रेटरी जनरल का टाइम पीरियड टेन्योर कितना होता है, 5 years का. ओके, नेक्स्ट हम फंक्शंस देखेंगे सेक्रेटरिएट का. फर्स्ट, टू कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट एट्सेट्रा. ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखना है, ठीक है, तो वो कॉन्फ्रेंस रखना किसका काम होता है, सेक्रेटरी जनरल का. ओके, जैसे कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, ओके, डिसआर्ममेंट एट्सेट्रा. सेकेंड फंक्शन इज टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स ऑफ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जनरल असेंबली की जो मीटिंग है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो किसका काम होता है, सेक्रेटरिएट, ये ऑर्गन का, मींस सेक्रेटरी जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है. थर्ड फंक्शन इज टू कंपाइल इंफॉर्मेशन. कंपाइल का मतलब क्या होता है, कि इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर सारे इंफॉर्मेशन जो इश्यूज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, उसको कंपाइल कहा जाता है. तो थर्ड फंक्शन क्या है सेक्रेटरिएट ऑर्गन का, टू कंपाइल इंफॉर्मेशन. ओके, फोर्थ फंक्शन इज टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द मीडिया. फोर्थ फंक्शन क्या है,
इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, किसको? मीडिया को. ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो यूनाइटेड नेशन का नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मीन्स ICJ. अब हम देखेंगे कि इसका मीन्स ये ICJ जो है, मीन्स ये ऑर्गन का फंक्शन क्या है, क्या काम है. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जैसे कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, जैसे हमारे घर में कुछ झगड़ा हो गया या फिर आस पड़ोस में कहीं झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा अगर पीसफुल मीन से सॉल्व नहीं हो रहा है, मीन्स शांति से या फिर आपस में जो है डिस्कशन करके अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा. ओके, न्याय लेने के लिए, मीन्स जजमेंट पाने के लिए, ठीक है, जस्टिस पाने के लिए. तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेन है, कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? मीन्स जजमेंट देता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है. ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स द जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का क्या है? जुडिशियल ब्रांच. ओके, जो जस्टिस प्रोवाइड करता है. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग इन द नेदरलैंड्स. यानी ICJ का जो मीन्स ये ICJ जो है वो कहाँ लोकेटेड है? यूनाइटेड नेशन का जो ICJ है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ लोकेटेड है? नेदरलैंड में हेग जो एरिया है, मीन्स जो रीजन है, वहाँ पे लोकेटेड है. ओके, देर आर 15 जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस. ओके, दे आर चूजन बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. और ये जजेस को कौन चूज करता है? सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलके. ठीक है, एवरी जज हैज टेन्योर ऑफ 9 ईयर्स. और जितने भी जज हैं, मीन्स 15 जजेस हैं, तो हर एक जजेस का जो टाइम पीरियड है, मीन्स टेन्योर है, कितने सालों का होता है? 9 ईयर्स का. ओके, नेक्स्ट फंक्शंस. फर्स्ट ऑन, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अगर यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर नेशंस हैं, टू और मोर, यानी दो नेशन के बीच में या उससे भी 3-4 नेशंस के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको सेटल करना किसका काम है? ICJ का, मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. ओके, सेकेंड फंक्शन इज टू इंटरप्रेट. इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा? वेरीफाई करना या फिर चेक करना. ओके, इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली, मीन्स वेरीफाई करना इंटरनेशनल लॉ ऑथेंटिकली, मीन्स ऑथेंटिक है, उसका कुछ प्रूफ है, गवाह है कि नहीं, सच है कि नहीं, रियल है कि नहीं. ओके, तो इंटरप्रेट करना यानी वेरीफाई करना, इंटरनेशनल लॉ को वेरीफाई करना. ओके, थर्ड फंक्शन इज टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और सब्सिडरी बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अबाउट लीगल इश्यूज. क्योंकि ये ICJ है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये तो यूनाइटेड नेशंस के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको एडवाइस देना. ओके, लीगल इश्यू से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करना किसका काम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. ओके, तो ये थर्ड फंक्शन है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. अब हम देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, मीन्स ये क्राइम ब्रांचेस के लिए, यानी जो क्राइम करते हैं, ये कोर्ट किसके लिए होता है? जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके लिए होता है. ठीक है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल. ओके, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होगा? एक इंस्टीट्यूशन विथ अथॉरिटी टू जज, मीन्स ट्रिब्यूनल एक इंस्टीट्यूशन जैसा ही होता है, एक इंस्टीट्यूशन ही है जो जिसको अथॉरिटी मिली रहती है जज करने की. ओके, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल. ओके, इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट द हेग इन द नेदरलैंड. जैसे कि हमने ICJ का देखा था, तो इसका भी इसका जो हेडक्वार्टर्स है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हेग में. ठीक है, नेदरलैंड्स के हेग रीजन में. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जिनोसाइड. जिनोसाइड का मतलब क्या होगा?
जैसे कि अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो उसका अलग जो वर्ड है मैसेकर, मैसेकर मतलब क्या, हत्याकांड, यानी एक साथ अगर किसी पर्सन ने मीन्स 6-7 लोगों को या फिर 100 लोगों को मार दिया, ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पीपल जो है मारे गए थे, उस हत्याकांड में, उस मैसेकर में बहुत सारे पीपल मारे गए थे, तो इसको क्या कहा जाएगा, जेनोसाइड, क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, ठीक है. नेक्स्ट है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स दैट आर ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है. तो ये जो क्राइम्स हम देख रहे इससे रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है जजमेंट देता है, ठीक है, इस बेसिस पे, मीन्स जो क्राइम्स ऑफ जिनोसाइड है ये क्राइम ही हुआ, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्ट होता है ये ऑर्गन जो है अब नहीं है यूनाइटेड नेशन में, ये ऑर्गन अब नहीं है. क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये ऑर्गन क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जैसे कि अनडेवलप्ड कंट्री है या फिर टेरिटरी है, टेरिटरी है या फिर अनडेवलप्ड कंट्री है या आइलैंड है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन वो कंट्री को भी चलाना है, रन करना है, ठीक है, तो वो कंट्री को मीन्स जो पुअर कंट्रीज है या फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज है या फिर टेरिटरी आइलैंड जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, तो उस कंट्री को या फिर टेरिटरी को चलाने की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो डेवलप्ड नेशन को दी गई थी, ठीक है, किसको दी गई थी, डेवलप्ड नेशन को, तो उसी को कहा गया ट्रस्टीशिप काउंसिल. लेकिन अब जो है ट्रस्ट टेरिटरी जो है अब नहीं रह गई है, ऐसी कोई टेरिटरी नहीं रह गई जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं हो, ठीक है, इसलिए ये ऑर्गन जो है अब नहीं है यूनाइटेड नेशन में, ये ऑर्गन नहीं है, ठीक है. सो द ट्रस्टीशिप काउंसिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टेरिटरीज दैट वर अनडेवलप्ड वर प्लेस्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड नेशन. मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नुकसान तो हुआ ही था, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर जो था, मीन्स ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था. इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मीन्स लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रॉय हुए थे, ठीक है. तो जो अनडेवलप यानी डेवलप्ड नेशन थे उनकी भी लाइफ, उनके भी जो है पैसे गए थे, ठीक है, उनकी भी प्रॉपर्टी लॉस हुई थी, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड नेशन थे. और जो अनडेवलप्ड थे तो अनडेवलप्ड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसको दी गई थी, डेवलप्ड नेशन को, ठीक है. द लैटर वर सपोज टू हेल्प ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज एंड वंस दे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉलोनीज हेल्प स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. सी ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल ने मीन्स क्या हेल्प किया, जो अनडेवलप्ड नेशन थे उनको डेवलप कराया, ठीक है, ट्रस्ट टेरिटरीज जो भी थे उनको डेवलप कराया, ठीक है, वहाँ पे जो है उनको इंडिपेंडेंस दिया, कॉलोनीज जो सेटअप थी उनको कॉलोनीज से जो है फ्रीडम दिलाया और वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके फिर ये काउंसिल जो है हट गया, ठीक है, इसने अपना वर्क बंद कर दिया. एंड द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज ओवर एज देयर आर नो ट्रस्ट टेरिटरीज लेफ्ट. मीन्स जैसे ही एक भी जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी वो नहीं बची तो उसके बाद में ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है. नेक्स्ट द वर्क ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंडेड व्हेन पलाऊ गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1st November 1994. पलाऊ इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन 500 मीटर ईस्ट ऑफ फिलीपींस. सी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम जो है कब खत्म हुआ, 1st November 1994 में, जब पलाऊ को जो है इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम मिल गया. पलाऊ क्या है, एक आइलैंड है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन 500 मीटर ईस्ट ऑफ फिलीपींस. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.